हाँ जी, गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम टू एजू फॉर टेक। पहले तो जरा वो सज्जन सामने आ जाएं जिन्होंने जिन्होंने साउंड के लिए बोला था। अरे भैया, कम से कम पूरा स्टेटमेंट तो लिख दिया करो कि सर आवाज़ तेज आ रही है। अब आप लिख दोगे सर साउंड, तो मुझे क्या लगेगा साउंड नहीं आ रही। तो मैंने माइक वगैरह दोबारा निकाल के दोबारा लगाया, उतने में वॉइस चली गई। अगर बहुत अगर तेज़ आ रही है साउंड, तो भाई आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, उससे आवाज़ कम की जा सकती है। ऐसा भी क्या आलस की, मतलब अगर आवाज़ तेज़ हो रही है तो इधर से ही कम की जाएगी। 15 मिनट ख़राब करवा दिए। चलिए खैर, स्टार्ट करते हैं। अब तो आज आपका टेस्ट है, सोम स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील और सॉइल के क्वेश्चन होंगे। 5 सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चन ज़रा थोड़े अच्छे लेवल के होने वाले हैं, तो पेशेंस के साथ कीजिएगा। टाइम आपको भरपूर मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। आप अपनी कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 1 to 65 लिख सकते हैं, और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आंसर की आपको क्वेश्चन के एंड में आंसर की दिखा देंगे, उससे आप अपना आंसर्स मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, कीजिए फटाफट। अच्छा, सौरभ सिंह जी ने कहा था क्या, शाबाश बेटा शाबाश, चलो तुम स्पेशल शाबाशी के हकदार हो। चलिए जैसे क्वेश्चन हो जाए, आपको मालूम है क्या करना है, आपने डन डनर एंड डन लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन होते ही आपने डन लिख देना है, आंसर नहीं बताना है। कोई बात नहीं बालक, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत डांट तो लगा सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो भैया जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनका चलो एक बार को मान लूंगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स एटलीस्ट एई की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी गेट तो चलो छोड़ दो, अगर आप एई के किसी भी एई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे ये सब क्वेश्चंस आज के बनने चाहिए। और अगर क्वेश्चन ना बने, इसका मतलब और मेहनत करने की सख्त आवश्यकता है। शैलेंद्र कैसा हुआ एग्जाम? भैया ये बताओ, जो हमारे ये ईएससी वाले बालक हैं, क्या सबसे इंडिविजुअली एक एक को मैसेज करके पूछा जाएगा कितना अटेम्प्ट किया? अरे खुद से मैसेज करके कम से कम बता दो कि सर इतना अटेम्प्ट हुआ हमारा, इतने क्वेश्चन बने, इतने नहीं बने, जैसा भी रहा, है ना। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और होपफुली प्री क्वालिफाई हो जाएगा। चलो गुड, इसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम लो आप, लेकिन करो क्वेश्चन को। पान मेराज, ये बिन बादल बरसात कैसे हो रही है तुम्हारी तरफ से आज?
जिसके दोनों पेपर मिलाकर 150 के अराउंड अटेम्प्ट है, 50 क्वेश्चन पेपर वन में और पेपर टू में लगभग 100, और एक्यूरेसी आपकी 90% भी रहती है तो आराम से हो जाएगा। चलिए, बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया, आप इजी लगने लगे हैं क्वेश्चन ये वाले। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ शैलेंद्र, ईएससी के लिए एलिमिनेशन तो तगड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सर पहली बार ईएससी के क्वेश्चंस बन रहे थे, बहुत बढ़िया। देखा, मेहनत करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है ना। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात होती है, जब मैदान में दो टीमें उतरती हैं तो एक को हारना भी होता है, कंपटीशन है ये, बट होता है कि आपने फाइट कितनी की वो मैटर करता है। ठीक है, फाइट करने लायक आपने कर रखी हो चीज़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8। प्रियम पांडे 140 आ रहे हैं टेक्निकल में। हाँ, तो टेस्ट सीरीज नहीं लगाई होंगी आपने अच्छे से, अगर एक्यूरेसी नहीं बन पाई तो। आप सभी स्टूडेंट्स QRP को बहुत सिंसियरली फॉलो कीजिए। जैसे जैसे हम बता रहे हैं, जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कल अगर हम लोग FM करेंगे तो आपका काम है आप पूरे दिन भर FM रिवाइज करें, शाम को आएं और जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊं उनको आप खुद से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। बाद में आपको PDF मिल ही जाती है, तो बल्कि आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 QRP को अटेंड करने का तरीका भी समझ लो। ठीक है, क्या करना है आपने, प्रॉपर आंसर की बनाइए आप एक, मतलब आप रफ वर्क के लिए एक अलग कॉपी ले लो और एक पेज साइड में रखो, उस पर आप लिखते जाओ क्वेश्चन नंबर का आपने 1 का ऑप्शन आपने क्या लगाया और क्या था, मतलब आपका जो आपने जितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, ठीक है, अब वो या तो आपका राइट है या रॉन्ग है। राइट है तो राइट का टिक लगा दो, रॉन्ग हो गया तो क्रॉस लगा दो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो, राइट है तो राइट लगा दो, रॉन्ग है तो रॉन्ग कर दो, उसको क्रॉस कर दो। और जब क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाने के बाद में आप देखो कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए। तो मान लो आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब 30 क्वेश्चन में देखो आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, डेली देखो इसको और अपनी प्रोग्रेस को मार्क करो। आप देखो आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं समय के साथ में। फिर आपको बाद में PDF मिल जाती है, वहां से आप सॉल्यूशन मैच कराओ, आप सॉल्यूशन मैच कराओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन से आपको मालूम चल जाएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग, क्या ये मिक्स प्रैक्टिस सेशन है मोहम्मद फरहान? आज टेस्ट है तो आज के सेशन में तो आपको 4-5 क्वेश्चंस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिक्स मिलेंगे, बट डेली 1 सब्जेक्ट होता है। जैसे कल FM होगा, ठीक है, लास्ट क्लास में सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हुए थे, कल फ्लूड मैकेनिक्स से होंगे, उसके अगले दिन किसी और सब्जेक्ट के होंगे, तो हर दिन डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, बट आज टेस्ट है। दीपक राज, DFCCIL का कैसे प्रिपरेशन करें? अरे क्या करना है, नोट्स पढ़ो, सब्जेक्ट तैयार करो, सब्जेक्ट तैयार हो जाए तो उसके टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हर एग्ज़ाम की एक ही तरीका होता है तैयारी करने का, ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ो, रिविजर क्वेश्चंस लगाओ और टेस्ट सीरीज लगाओ कोई भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। जितना सिंसियरली आप QRP फॉलो करेंगे, आपके एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, संजीव कुमार, आप शायद नए हैं बालक, रेलवे के 5-6 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बल्कि रेलवे के तो लगभग मैं हर तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूँ, हर सब्जेक्ट का सेशन होता है, ठीक है।
हर सब्जेक्ट का दिन आता है यहाँ पर, तो रेलवे भी होगा, हाईवे भी होगा, हाइड्रोलॉजी भी होगी, इरिगेशन भी होगी। अराउंड 80 सेशंस हमारे हो चुके हैं, QRP के लगभग 80 सेशन हो चुके हैं। तो हर सब्जेक्ट के आप ये मान के चलिए कि पाँच पाँच छः छः सेशन हर सब्जेक्ट के हो चुके हैं, ठीक है। 80 सेशन का मतलब है कि लगभग हर सब्जेक्ट के पाँच छः सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो QRP के पुराने सेशंस स्टार्टिंग से देखना देखना शुरू कर दीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए, ये 10वां क्वेश्चन था, हो गया होगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन नंबर 11। तो डेली एक सेशन नया देखिए शाम में और एक सेशन पुराना देखिए, ठीक है। दो सेशन डेली देखिए। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिए हुए हैं। अमित विश्वकर्मा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो बालक, मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है करते रहिएगा, क्योंकि शायद ये यूट्यूब में ये ऑप्शन आने वाला है कि वही लाइव चैट में कमेंट कर पाएंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17। नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा क्या है, डीएस पूछा होगा इसका, ठीक है। टोटल डिटरमिनेसी पूछी है, टोटल डिटरमिनेसी बतानी है आपने, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, टोटल डीएस कितना होगा। सद्दाम जी आंसर नहीं करना है, टेस्ट है ये, आंसर नहीं करना है, अपना आंसर नोट करके रखिए, बाद में मैच कीजिएगा, बस क्वेश्चन हो गया या नहीं हो गया इतना बताना है। 66 क्वेश्चन है, 66। एटीन क्वेश्चन, नाइनटीन्थ। ट्वेंटी।
22 23 24 25 आधे खिलाड़ी मैदान छोड़कर भागते हुए जबकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रैक्टिस सेशन में करवा चुका हूँ, जिनके बेसिक्स वीक हैं, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी आपके पास चांस है, विजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अभी केवल मैकेनिक्स और सोम हुआ है, स्ट्रक्चर जस्ट स्टार्ट हुआ है, सभी सब्जेक्ट एक बार दोबारा आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, ठीक है। और कम से कम इससे कम फी में आपको एक कंप्लीट पैकेज नहीं मिलेगा, जहाँ आपको थ्योरी भी मिल रही हो, क्वेश्चंस भी मिल रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, सब्जेक्टिव भी हो रहे हैं, ईएससी के क्वेश्चंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, है ना, गेट के भी हो जाएंगे, जहाँ एक ही जगह पर आपको ए जेई प्री मेंस ईएससी गेट सब कुछ एक सिंगल बैच में मिल रहा हूँ। टफ लग रहा है तो जानबूझ के टफ टफ देखो टफ क्या है? ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में, मैंने तो क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए और मेरे करवाए हुए हैं। अभी आप देखना इनका सोल्यूशन की जो पीडीएफ मिलेंगी वो आपको कलरफुल पीडीएफ मिलेंगी, मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे इसका मतलब कमी है ना कहीं पढ़ाई उस तरह की नहीं हो रही। अभी कल को यूपीपीएससी ए की वैकेंसी आ जाएगी, अब हर बच्चा यहाँ पर आकर पूछता है सर एनडब्ल्यूए की एग्ज़ाम एनडब्ल्यूडीएल की तैयारी कैसी होगी, डीएफसीसीआई की कैसी होगी, एमपीपीएससी ए का क्या करूँ, बीपीएससी का क्या करूँ, पंजाब का क्या करूँ, यूपीपीएससी का क्या करूँ, एसएससी जेई का क्या करूँ। अरे भाई फॉर्म तो सारे भर रहे हो लेकिन उस हिसाब से तैयारी भी तो करो, फॉर्म भरने से सलेक्शन थोड़ी ना होता है,
फॉर्म भरने से थोड़ा सिलेक्शन होता है। हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक सर्टेन मिनिमम टाइम का टाइप एक मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ता है ना, वो तो करना पड़ेगा ना। प्रवीण पाटिल सर, एग्जामपुर के लेक्चर आपके बहुत अच्छे। अभी भी आप लोग सोचो 7 महीना हो गया एग्जामपुर को छोड़े हुए, आप लोग अभी भी एग्जामपुर बैठ के पढ़े हो। अरे अब एजू फॉर टेक पर आओ, है ना। हालांकि वो तो लेक्चर्स अच्छे हैं ही हैं, बट अब एजू फॉर टेक पर आओ, यहाँ के लेक्चर्स देखो, ठीक है। गुड इवनिंग दिलीप, कैसा हुआ एग्ज़ाम? अभी हमने रिकॉर्ड तोड़ प्री में SSC JEE प्री में 100+ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, ठीक है, विद रोल नंबर मोर देन 70 का। तो मैंने ग्रुप में अपडेट किया है, बाकी स्टूडेंट्स के रोल नंबर मिल नहीं पाए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में भी मैंने शेयर किया था, तो इतना स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी कीजिए भाई, लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। टेस्ट डिफ़िकल्ट होता है तो एग्ज़ाम भी तो कई बार डिफ़िकल्ट आता है। शुरू के 10 सवाल 20 सवाल नहीं आए तो क्या हम एग्ज़ाम एग्ज़ाम छोड़ के चले आते कि भाई अपने बस का नहीं, हम तो घर जा रहे हैं। वहाँ बैठते हैं ना हम 2 घंटा पूरा एग्ज़ाम हॉल में, तो कम से कम वही आदत डालो कि अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम बैठेंगे, पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करेंगे। बीच में जाने का क्या मतलब है? मतलब वो आपके अंदर वो जो फाइटिंग विल पावर होती है वो डेवलप ही नहीं हो रही। अच्छा हुआ GS गड़बड़ है, टैक्स सही गया, चलो बढ़िया। बाकी GS तो सभी का ऐसे ही रहता है, मिनिमम क्वेश्चंस हो जाए, बाकी तो टेक्निकली सहारा देगा आपको। क्वेश्चन हो या ना हो, आपने सेशन पूरा अटेंड करना है। आप देखो कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, अगर 65-66 क्वेश्चन है तो 20 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, कितना तो करो। अब कल ही मैंने जब पेपर देखा ESC का पेपर 2, जब मैंने टेक्निकल वाला देखा, पूरा तो पेपर नहीं देख पाया मैं अभी, तो स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया का मतलब कई बार हम लोग डिफ़िकल्ट से लगा लेते हैं, बट शुरू के 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर मैं पेपर दे रहा होता तो तुरंत स्किप कर देता कि यार ये तो क्वेश्चंस करने ही नहीं है, ठीक है। तो शुरू के क्वेश्चंस ही 15-20 ऐसे थे उसमें जो देखकर आपका मूड ख़राब हो जाए कि यार ये क्या क्वेश्चन डाल दिया, बट जैसे ही वो 15-20 क्वेश्चन स्किप करके आप आगे बढ़ते हो फिर आपको मज़ा आ जाता, अरे वाह RCC के क्वेश्चन सारे किए कराएँ, स्टील के क्वेश्चन सारे किए हुए हैं, सोम के क्वेश्चन सारे किए हुए हैं, स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सारे किए हुए हैं। फिर आप शुरू के 10-15 क्वेश्चन छोड़ने के साथ ही एकदम से आपको अपने काम के क्वेश्चन दिखने लग जाते हैं और आप करने लग जाते हो उन्हें। लेकिन अगर हम शुरू के 15-20 क्वेश्चन को देख कर ही सारा डिसाइड कर लें, डीमोटिवेट हो जाएं, तो फिर तो गया ना एग्ज़ाम। टेस्ट सीरीज़ का यही तो काम होता है। अब आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन नहीं करते ढंग से, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो प्रॉपरली टेस्ट देंगे, नहीं देंगे तो एनालाइज नहीं करेंगे, उससे वर्क नहीं करेंगे, लास्ट टाइम पर टेस्ट देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कम से कम ये QRP के सेशन आपका ये काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पता नहीं सेट ए था, मेरे ख्याल से शायद सेट ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पिछला 26 था ना, 27 क्वेश्चन।
देन क्वेश्चन 28, थर्टी इंजीनियर ये भी करेंगे। एक्चुअली वो कैमरा ऑन करके वॉइस मिसमैच होती थी बहुत ज़्यादा। थर्टी वन थर्टी टू ठीक है अमित जी, बस बारिश के मजे ले आ रहे हैं, बारिश हो रही है कल से। 33 34 35
36, थर्टी सेवन, थर्टी एट, थर्टी नाइन, फोर्टी, अब देख रहे हो एकदम से आपको मिले आसान आसान क्वेश्चन, फटाफट फटाफट होने वाले, अभी सारे क्वेश्चन एकदम से हो रहे होंगे। तो एग्जाम में यही होता है, कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे एकदम से हो जाएंगे। हमें ओवरऑल सारे क्वेश्चन थोड़ी ना करना है। टोटल में से कितना देखना, कितना कर सकते हो कितना नहीं। फोर्टी वन, फोर्टी टू, फोर्टी थ्री, फोर्टी फोर, फोर्टी फाइव,
रियल एग्जाम में भी ऐसे ही होता है बालक, इसीलिए टेस्ट को सिंसियरली लास्ट तक अटेम्प्ट करना चाहिए, लास्ट तक अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसे हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए बीच में। 46, 47, 48, 49, इस क्वेश्चन में टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर निकालिए। 50, 51,
52, फिफ्टी थ्री, फिफ्टी फोर, फिफ्टी फाइव, अब सॉइल के आपके लाइन से 10-15 क्वेश्चन है, सारे के सारे बन जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपका बनेगा सॉइल का। फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सेवन, फिफ्टी एट, फिफ्टी नाइन, सिक्सटी,
61 62 63 64 65 और आज का लास्ट क्वेश्चन सिक्सटी फाइव थे, एक मेरी तरफ से फ्री लेके जाओ। ठीक है भाई, तो फिर आंसर की मैच करवाई जाए, तो आंसर की मैच कर लीजिए। फ्री वाला नहीं हुआ चलिए। तो सॉल्यूशंस की पीडीएफ साथ में लगी हुई है, इसके एंड में वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है,
पता है आपका टेस्ट पेपर बनाने में क्लास लेने से ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि तो क्लास लेने में तो एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ चार पांच अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। अब आप सोचो, अगर मुझे आपके लिए 10 अच्छे क्वेश्चन ढूंढने हैं तो वो 10 क्वेश्चन लाइन से तो होंगे नहीं, कम से कम 100 क्वेश्चन देखते हैं तो 100 में से 10 क्वेश्चन ढंग के निकलते हैं। तो अगर मैंने आपके लिए 65-66 क्वेश्चन निकाले तो कम से कम समझ लो मैंने 1000 क्वेश्चन देखे होंगे, एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन देखने पर तब उनमें से हो, क्योंकि मुझे ये भी देखना होता है कि अगर ऑलरेडी मैं इतने टेस्ट ले चुका हूँ तो ये क्वेश्चन पहले उन टेस्ट में रिपीटेड ना हो, अभी हाल फिलहाल के ज़्यादा मतलब, और क्वेश्चन डिफरेंट भी होने चाहिए, रिपीटेड भी उतने ज़्यादा ना हो, फिर उनकी आंसर की बनाना, ठीक है? तो बहुत एफर्ट लगता है और ये एफर्ट तभी सक्सेसफुल रहेगा जब आप लोग इन सेशंस को सिंसियरली अटेंड करेंगे, है ना? और पेपर जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का भी बनाने की कोशिश रहती है, सारे डिफिकल्ट हो जाएंगे तो भी गड़बड़ है, सारे बिल्कुल आसान हो जाएंगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं वो भी बेकार है। तो ओवरऑल है कि अगर 65 क्वेश्चन है तो देखो 60% क्वेश्चन बनने चाहिए, और अगर जिसने थोड़ा भी सिंसियरली पढ़ाई की है वो 60% क्वेश्चन आराम से बना कर ले जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 66 में से किसी के भी 40 से कम क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है? 40 से कम क्वेश्चन होने चाहिए। और ये एफर्ट बस इसलिए है क्योंकि अगर हम आप ट्रस्ट करते हो चैनल पर हो, जब मैं राइट काइंड ऑफ एफर्ट लगाऊंगा, मतलब मैं क्या, हम दोनों मिलकर एफर्ट लगाएंगे तभी सिलेक्शन होगा ना, आपका करियर सेट होगा, थोड़ा हमारा भी नाम हो जाएगा, हाँ भाई कहाँ पढ़े थे वहाँ पढ़े थे, है ना? अभी जैसे मैंने बताया कि SSC JEE PRE का अगर 100+ स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया, तो पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था तो उसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो वो एडअप हो गए, अब मैंने कहा इतने तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो फिर मैंने उसमें ग्रुप में कई बार पूछा, भैया जिनका नहीं हुआ वो ग्रुप खाली कर दें, मुझे लगा 25-30 का हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो जाएंगे। अब जब बच्चों के मैसेज आने शुरू हुए तो अराउंड 75 स्टूडेंट्स ने अपने रोल नंबर सेंड किए, उनमें से अभी कुछ ने नहीं सेंड किए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक कंसिस्टेंसी की वजह से हुआ, उनमें से बहुत स्टूडेंट हैं जो पिछले 1 साल से लगे हुए थे, है ना? कुछ का तो दूसरी तीसरी बार क्वालिफाई हुआ, सतीश है, चंद प्रताप सैनी है ना, कई हैं जिनका दूसरी बार लगातार क्वालिफाई हुआ है। तो वो ये कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट लगाना होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड है ना, अभी तो 15 तक हो गया, आगे आप QRP को फॉलो करते रहिए। मेडिजी ने अपना एक ऐसा ही निकाला था CTQ, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, जानते हैं उसकी फ़ी कितनी थी? 12,000+ GST, 12,000+ GST समझ लो खाली, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसमें सर्टेन काइंड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। वही सब आपको यहाँ मिल रहा है, वही तो सब वहाँ भी क्या कराएंगे, गेट के ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन तो खुद से फ्रेम करेंगे नहीं, वही चीज़ आपको यहाँ मिल रही है, तो फायदा उठाइए। यहाँ तक मैच कर लिए, 30th तक मैच कर लिए, नेक्स्ट स्लाइड करें, इनको मैच कीजिए आप। थ्योरी पढ़िए, नोट्स रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, गलत एक भी नहीं है, 36 के 36 सही है, वेरी गुड। छत्तीस के छत्तीस या 66 के 66 लिखने वाले थे।
सही है, 36 भी बढ़िया है। ठीक है भाई, तब इसके आगे सॉल्यूशन लगे हुए हैं, डिटेल सॉल्यूशंस हैं जैसे मैंने पहले करवाए हैं, जिस तरह से इन क्वेश्चंस को किया गया है, डिटेल सॉल्यूशन है, शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं, तो आपको इनकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो डिटेल सॉल्यूशन है, कल हम लोग एफएम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, तो पीडीएफ में इसके सेंड कर देता हूँ टेस्ट की आपको। फोर्टी एट करेक्ट, स्ट्रक्चर हिल गया है, बढ़िया रामज्ञा जी, 48। हाँ, कल ऐसा करेंगे, कल एफएम प्लस ओसीएफ एक ही साथ करवा देंगे, क्योंकि अब ओसीएफ के भी बहुत ज़्यादा सेशन हो गए, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने हैं, तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, कल एफएम के साथ ही करवा ले कर देंगे। ठीक है। हाँ जी, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। और बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने ये सेशन जो है वो शेयर कीजिए, है ना, एजु फॉर टेक भी आगे बढ़ना चाहिए। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग उतना ही अच्छा होगा, है ना, और जितना सब्सक्राइबर आएगा, जितनी लाइव वॉचिंग होगी, जितने व्यूज़ होंगे, हमें भी मज़ा आएगा उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाने में। मोटिवेशन का कोई तो सोर्स होना चाहिए, नहीं? चलिए, फाइनली गुड नाइट एवरीवन।